तो कहानी शुरू होती है लीना से। वो अपने दो लड़कियों को कॉलेज में छोड़ने आती है, जिनमें से इसकी बड़ी लड़की का नाम होता है एमा, और दूसरी के नाम की जरूरत तो है नहीं क्योंकि उसका ज्यादा रोल भी नहीं है। तो एमा आती है कॉलेज के अंदर, जहाँ पर वो बहुत सारे अपने दोस्तों से मिलती है, और उसके दोस्त लोग इसको बोलते हैं कि तुम बहुत क्यूट हो, बहुत हॉट हो, और यहाँ पर एक बहुत हॉट लड़का है, तुम्हें उसके साथ डिनर करना चाहिए। उसके बाद अपनी क्लास में आती है, लेकिन इसके पीछे से एडम इसको घूर रहा होता है और सब लोग इसको घूर रहे होते हैं। फिर वो कैंटीन में जाते हैं, दबा के खाना पीना करते हैं और फुल बकचोदी पेलते हैं, जैसे कि आमतौर पर कॉलेज में लड़के लड़कियां बकचोदियां पेलते हैं। और एमा नोटिस करती है कि एडम बहुत अजीब है। उसके बाद एमा अपने मदर फादर को बोलती है कि हमारी पूरी की पूरी क्लास दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं और मुझे भी जाना है, और वो बहुत सारी पैकिंग करती है। और उधर एडम वो घूमने के लिए जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके फादर जो जेम्स हैं वो इसको फोर्स करते हैं, कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ घूमो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बसों में बैठकर निकल पड़ते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, मतलब इनको जहाँ पर घूमने जाना था, इनको पिकनिक मनाने जाना था स्कूल वालों की तरफ से, वहां पर आ जाते हैं और दबाकर पार्टी करते हैं, नहाते हैं, घूमते फिरते हैं। और इसी बीच में एमा एडम को देखती है, एडम एमा को देखता है, और देखते ही देखते इन लोगों का प्लान बन जाता है कि एक अमीर आदमी है, उसने एक शिप तैयार कर रखी है जिसमें पार्टी होनी है। तो ये सब लोग उस शिप में चले जाते हैं पार्टी करने के लिए, और वो शिप समुद्र के बीच में चला जाता है जहाँ पर सब लोग नशे कर रहे होते हैं उल्टे सीधे, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोग नशे वाली चीजें समुद्र के अंदर गिरने लगते हैं। इसी बीच में एमा खुद नीचे गिरने लगती है, एडम ये नोटिस करता है और वो कूद जाता है एमा को बचाने के लिए, और वो एक छोटी बोट लेकर एमा को बचा लेता है और वो मेन शिप से दूर हो जाता है, और वो शिप के पास जाता भी नहीं है क्योंकि वहां पर पुलिस होती है। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में बहुत सारी लहरें इनकी छोटी सी बोट को बहुत दूर कर देती है इनकी मेन शिप से, और ये लोग समुद्र के बीच में खो जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद देखते हैं कि इनको आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा है, और अपना फोन भी ट्राई करते हैं पर इनको नेटवर्क नहीं मिलता। तो ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, और बातें करते करते ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें एक आइलैंड मिलता है, और ये दोनों आ जाते हैं उस आइलैंड पर। आइलैंड में आने के बाद ये लोग थोड़ा सा जंगल में घूमते हैं, अजीब अजीब तरह की चीजें खाते हैं, और शाम होने के बाद एडम ढलते सूरज को देखता है। उसके बाद एमा अपनी जेब से निकालती है कुछ चॉकलेट्स और वो एडम को शेयर करती है, और ये दोनों आग जलाकर थोड़ी सी हाथ सेकते हैं, थोड़े से फोन में गाने सुनते हैं और सो जाते हैं। मॉर्निंग होती है, एमा छोटे छोटे अक्षरों में लिखती है कि प्लीज हमारी मदद करें, और तभी एडम उठता है और वो अपनी शर्ट निकाल कर पानी में नहाने चला जाता है, और न्यूड एडम को देखकर एमा बहकने लग जाती है। और उधर इन दोनों के पेरेंट्स इनको ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं स्कूल वालों की हेल्प लेकर, और एमा की मदर लीना बहुत परेशान है। और यहाँ पर इन दोनों के बच्चे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ये लोग बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि हमारी मदद करें। उसके बाद ये लोग नारियल पानी पीते हैं, केले तोड़ते हैं, वो खाते हैं, और थोड़ी देर बाद धूप हो जाती है बहुत भयंकर, और एडम नहाने चला जाता है, उसके पीछे पीछे एमा भी नहाने चली जाती है। दिन गुजरते रहते हैं, तकरीबन 10-12 दिन बाद ये दोनों एक साथ सोने भी लग जाते हैं। सोते सोते इन दोनों में प्यार भी जाग जाता है, एमा नहाती है, एडम देखता है, और यहाँ पर एमा की मदर और फादर दोनों परेशान हैं। तो एमा की मदर लीना जेम्स के साथ एक चोपर में बैठकर इन दोनों को ढूंढने निकलते हैं, और काफी देर तक ढूंढते रहते हैं पर इनका आइलैंड इनको मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर फिर से एडम ढलते सूरज को देखता है, एमा अपनी पर्सनल बातें बताती है, और फिर ये दोनों डिंग डोंग कर लेते हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। और एमा बताती है कि मैंने अक्सर लोगों की बातों में आकर पता नहीं कैसे कैसे काम किए हैं, मैंने कोई भी काम कभी अपनी मर्जी से नहीं किया क्योंकि किसी ने मुझे करने ही नहीं दिया, और इस आइलैंड पर मुझे पूरी आजादी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद ये दोनों फिर से घूमते फिरते हैं, झील में नहाते हुए डिंगडोंग करते हैं, और ये लोग डिंगडोंग करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, मजे करते रहते हैं, और दिन भी गुजरते रहते हैं। और वहाँ पर इनके पेरेंट्स वो परेशान हैं इनको ढूंढ ढूंढ कर, पर इनके माँ के लाडले बिगड़ चुके हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं। इनके मदर फादर पूरे कॉलेज में कैंपेन चला रहे हैं कि प्लीज सरकार पर फौज डालो ताकि सरकार और फौज भेज दे इन दोनों को ढूंढने के लिए। इसी बीच मौसम भी बिगड़ता है, तो एक दो दिन लीना और जेम्स अपने बच्चों को ढूंढने नहीं जा पाते, पर ये दोनों, इनको भी कोई टेंशन नहीं है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और ये दोनों अब मछली पकड़ना सीख रहे हैं। उसके बाद ये फिर से डिंग डोंग करते हैं, और इनको बहुत अच्छा लगता है इस आइलैंड पर क्योंकि इनको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इनका जो मन में आता है वो करते हैं। और फिर ये लोग देखते हैं कि हमें ढूंढते हुए कोई प्लेन यहाँ से गुजरा है, पर वो इन दोनों को देख ही नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, और चले जाते हैं। फिर ये लोगों को थोड़ी सी टेंशन होती है, तो तकरीबन 3 महीने गुजर जाते हैं और इन दोनों को अब टेंशन होने लगती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, हमें से कोई बीमार हो गया तो ठीक हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमें शहर में वापस जाना ही होगा। और देखते ही देखते वहां पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो एडम के पीछे भागने लगता है, और एडम अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागता है, वो कुत्ते से भी तेज भागता है, और वो अपने चड्डी में से निकालता है एक चाकू और उस चाकू से उस ब्लैक पैंथर को मार देता है। और फिर ये दोनों झील के अंदर आकर नहाते हैं और फिर डिंगडोंग करते हैं, और वहां पर इसकी मदर सैड होकर शॉपिंग कर रही है, और ये लोग यहाँ पर गृहस्थी बसाने के लिए घर बना रहे हैं, उसके बीच पर नहा रहे हैं, और एमा के सिस्टर कॉलेज में अकेली पड़ गई है, पर ये दोनों
एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। इन लोगों को कोई टेंशन ही नहीं, ये लोग फुल मजे में। और फिर ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों के अगर बच्चे हो जाएं तो हम दोनों के बच्चे यहाँ पर पलेंगे, और कोई बहकता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, हमारे बच्चे उनसे शादी कर लेंगे, फिर उनके और सारे बच्चे होंगे, फिर आए सारे बच्चे होंगे, और फिर ये खुद का इस आइलैंड पर घर बना लेंगे और इस आइलैंड के राजा बन जाएंगे। ये ऐसे ऐसे सपने देखने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर चोपर ढूंढता हुआ आ जाता है यहाँ पर, और इन दोनों को लेकर शहर में आ जाता है। और ये दोनों शहर में आने के बाद वही शहर की चकाचौंध में खो जाते हैं। इनको आने की इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि एमा अपनी मदर से मिलती है, उसके बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, और इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। फिर एमा अपने घर में होती है, एडम उससे मिलने आती है, और ये दोनों बोलते हैं हम लोग जंगल में ही बहुत सही थे। फिर यहाँ पर एमा की मदर लीना, एडम का फादर जेम्स, दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं अपने बच्चों के मिलने की खुशी में। और यहाँ पर ये सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं, लेकिन एमा को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ रहना पड़ता है, और एडम को भीड़ में जाना पसंद नहीं है, तो इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती रहती हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख देख कर नोटिस करते हैं, एक दूसरे को मिस करते हैं। फिर एमा परेशान होती है, उसकी सिस्टर उसके पास आती है और वो कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि एडम तुमको बहुत पसंद करता है, और शायद तुम भी एडम को बहुत पसंद करती हो, तो क्यों रुकी हुई हो यार। तो एमा कहती है लगता है मुझे अब अपना स्टैंड लेना ही पड़ेगा। उधर एडम आता है अपनी मदर की कब्र पर, और वहां पर पहली बार वो अपनी मदर को अपने दिल की बात कहता है कि मुझे पहली बार एक लड़की पसंद आई है, पर मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। और उसको यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर एमा आई है प्रोम नाइट पर कॉलेज में, और एडम बैठा है अपने घर पर, और तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा कॉलेज में प्रोम नाइट है आज, तो जाओ कॉलेज। लेकिन एडम मना करता है, लेकिन जेम्स कहता है कि जरूर जाओ और मेरा जैकेट लेकर जाना, मतलब मेरा सूट लेकर जाना। उसके बाद एमा कॉलेज में घूम रही होती है अच्छे से ड्रेसअप होकर, उसकी सहेली उसको लेकर आती है एडम के पास, और वो इन दोनों को मिलवा देती है। उसके बाद ये दोनों खोपचे में जाकर एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और अपने जंगल के दिनों को याद करते हैं, और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके सच्चे प्यार का किस करते हैं। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है। ये दो टीन एजर्स की कहानी है, एक लड़का और एक लड़की की, जो कि अपने दोस्तों में अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि एक लड़की को एक लड़के की जरूरत होती है, एक लड़के को एक लड़की की जरूरत होती है, और इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, और ये दोनों एक साथ एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। और शहर में आने के बाद ये दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहते हैं, फिर करीब आते हैं, और अंत में ये लोग मिल जाते हैं। ये इस फिल्म की कहानी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।